हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ये लेसवे का अचार। तो जी बिल्कुल, आज जो है अचार भी कुछ अलग ही बनने वाला है, कुछ अलग तरीके से बनने वाला है, कुछ अलग चीज़ का बनने वाला है। तो मैंने एक दो दिन पहले आपके साथ जिक्र किया था कि ये लेकर के आए हैं, तो फिर मुझे लगा मैं स्टार्टिंग में ही दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की फिर बाद में शिकायत रहती है, क्योंकि मतलब सबकी आदत नहीं होती ना कि वो हमारा वीडियो पूरा देखे, तो स्किप करके वीडियो देख लेते हैं और फिर उन्हें पता नहीं चलता कि कौन से वीडियो में शेयर किया था। तो मुझे लगा मैं स्टार्टिंग में एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एक भगोने में, पतीले में, आप जो भी बोलिए, उसमें पानी चढ़ा दिया है। और पानी जब अच्छे से गर्म हो गया है ना मेरा, तो फिर मैंने उसमें ये लेसवे डाल दिए हैं। और जब पानी कितना ही तेज़ गर्म हो, लेकिन हम उसमें कोई रूम टेम्परेचर की, नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ डालेंगे, तो वो एकदम से उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो अभी पानी मेरा थोड़ा ठंडा पड़ गया है, निवाया सा मतलब हो गया है। उसके बाद अब ये पानी जब दोबारा खोलेगा ना, तब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। और ये अचार ना उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जिनको आम का अचार या फिर उससे भी ज़्यादा खट्टा अचार आता है ना, मतलब उस टाइप खट्टे वाले जो अचार पसंद है, उनको बहुत बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो पानी जो है हमारा उबलना शुरू हो गया है, और साथ साथ देखो लेसवे का कलर भी चेंज होता जा रहा है। मतलब हरेपन पे था बिल्कुल, ये बेर जैसा लग रहा था, बल्कि जो बेर आते हैं ना हरे हरे से, वो शिवरात्रि के टाइम पे बड़े वाले। और अभी ये जो है पीला हो गया है उबलते उबलते ही। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगा होगा इसको उबलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस ये एक उबाल आते ही हम इसको कुछ देर ढक करके छोड़ देंगे और गैस को कर देंगे बंद। ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट आप कह सकते हो। और बस अब मैंने पानी में से इसको निकालना शुरू कर दिया है। आप कोई भी छलनी या ये झर पोनी कुछ भी बोलते हो, मतलब इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो, तो जो कि एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें ही रह जाए। और अभी हम लेसवे को भी यहीं पे छोड़ देंगे, कुछ देर बाद देखते हैं हमें क्या करना है। कैसे हो? खाना खा लिया? आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। सुनो, अब कभी कभी वीडियो लाइव भी करा करो और मम्मा से भी बात करा करो। और मैं रोज खेलने जाता हूँ, तुम सबको भी, मम्मा को भी, मम्मा से भी बात करा करो कभी कभी, जब तुम ऐसे ही बात करते रहते हो। आज मैं आपको एक्सरसाइज सिखाने जा रहा हूँ। पैर ऐसे उठाते और एक पैर ऐसे करो। एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ इनको। एक्सरसाइज सिखा रहे हो क्या इनको? अच्छा, इनको ये तो बता दो कल हम कहाँ जाएंगे, ये बता दो। हाँ, ये तो सीख ली, एक्सरसाइज तो सीख ली। लो एक्सरसाइज सीखो, नहीं शूज़ है, सिखाओ। और हम कल कहीं पे जाने वाले हैं, उसका नाम बताने आज। और फिर मैं आपको वो नाम बताता हूँ कहाँ पे जाने वाले हम। रुचि मौसी हमारे कुछ बनाएगी और हम उनके लिए कुछ लेके जाएंगे। बाय बाय। वीडियो को जरूर लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पता है, ट्राइपॉड को अंदर रख के और मैं सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही बाहर गई थी चौक में, और मैं आके देख रही हूँ कि हाँ भाई साहब लगे हुए हैं आप लोगों से गप्पे मारने के लिए। तो मुझे लगा चलो आपको भी सुनाती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कभी कभी मम्मा से भी बात कर लिया करो, रोज़ आप मेरे से ही बात करने की सोचते रहते हो। पता नहीं क्या क्या बातें बना रहा था, मैंने भी अभी सुनी है ये बातें एडिट के टाइम पर सारी की सारी। तो यहाँ पर जो है ना, ये लेसवे जो हमारे थे, इनका जो ऊपर का मतलब कह सकते हो आप, नाकू कह सकते हो, या एक टोपी टाइप की बनी होती है वो कह सकते हो, या फिर जो ऊपर मतलब नाशपाती में, बब्बू गोसा में, एप्पल में, मतलब ऊपर जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हटाते हैं ना, ब्लैक ब्लैक सा, वो हमको हटा देना है। और फिर उसके बाद आपको ले लेनी है एक आंबी। आंबी जो ये कच्ची वाली है जिसका अचार वगैरह डलता है, या जो हम करेले में यूज़ करते हैं वो, तो इसको आपको
छील लेना है पूरे आंबे को अच्छे तरीके से, कहीं से भी मतलब छिलका ना रहने पाए इसमें, क्योंकि छिलका गलने में काफ़ी टाइम लगाता है, तो इसलिए हमें इस अचार में छिलका नहीं यूज़ करना है। उसके बाद आंबे को आपको लंबा लंबा शेप में काट लेना है। मैंने लंबा लंबा कट किया है, जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से काट सकते हो। दोनों चीज़ें जो है हमारी कट करके तैयार हो चुकी हैं, और जो लेसवे थे ना वो हमारा मतलब रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो उनको अब जो है मैं धूप में रख दूँगी। धूप में जब तक इनका एक्स्ट्रा पानी जो भी इनके अंदर गया है ना उबालते उबालते टाइम, वो निकल जाएगा, मतलब पानी बिल्कुल सूख जाएगा, तब तक के लिए हम इनको धूप में छोड़ देंगे। मैंने ये मतलब जो दोपहर में लेटने का टाइम होता है ना, आप कह सकते हो 12 बजे करीब मैंने ये धूप में रखे होंगे, और मैंने इनको फिर उठने के बाद जब मैं 4-5 बजे बाहर आती हूँ, 4 बजे करीब आप कह लो, तब मैंने इनको उठाया था। आप 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हो, और मैंने ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है, मतलब थोड़ी हल्की धूप रहती है। और ये है आंबी, आंबी को बाहर आपको धूप में नहीं रखना है, वरना जो है ये काली पड़ जाएंगी। तो मैं इनको ना अंदर ले आई हूँ, और मैंने ये यहाँ पे टीवी जहाँ रखा है ना मेरा संदूक के पास, वहाँ पे रख दिया है इनको, ताकि ये पंखे की हवा में सूख जाए। जब तक लेसे सूखेंगे तभी तक ये आंबी भी सूख जाएगी। तो बस मेरी थी थोड़ी सी सोने की तैयारी, लेकिन उससे पहले मुझे काम याद आ गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और खाली मतलब हवा हवा से बात नहीं बनती, कूलर में पानी भी डालना ही चाहिए, क्योंकि जब अगर किसी किसी दिन सोने का मन करता है ना, सोने का टाइम मिलता है, तो फिर अच्छे वाली नींदी ले लेनी चाहिए। और दिन में सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो मतलब बड़ी मस्त वाली नींद आती है दिन में, जो मतलब नींद मेरे को रात को भी नहीं आती ना, वो दिन में मज़ा आता है मुझे सोने के बाद, कि हाँ मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाता है मेरा जब मैं सो के उठती हूँ तो। और यहाँ पर जो है कूलर में पानी भरना शुरू कर दिया है मैंने, धूप तो खैर काफ़ी तेज़ हो ही चुकी है, और आपको पता है मेरे चौक में तो सुबह सुबह 7-8 बजे करीब धूप आ जाती है, और गर्मियों में तो आप कहो कि 6:30 बजे ही धूप आ जाती है, लेकिन अब काम सारे यहीं के हैं तो छोटे मोटे काम तो बीच बीच में देखने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि ना गर्मी में सारे जितने भी मेरे चौक के काम है वो मैं सुबह सुबह के टाइम पर निपटा दूँ। तो यहाँ पर जो है निश्चय भी मेरे साथ साथ घूम रहा है, और देखो जब तक बच्चा छोटा रहता है ना तो फिर यही रहता है, पूँछ बन के पीछे 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 होता ही रहता है कि हाँ बस मुझे तो आपके साथ ही घूमना है। और पता है मैं ना कहीं जाने के लिए एक्साइटेड भी हो रही हूँ, और वो निश्चय ने आपको बता ही दिया है कि पता नहीं पीछे बता दिया है या आगे बताएगा मुझे याद भी नहीं आ रहा। मेरे को एक्चुअली अपनी बहन के घर जाना है, और मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सी बहन के यहाँ जा रही हूँ, आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है सरसों का तेल जो कि मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है, मेरे इस फ्राई पैन को थोड़ा इग्नोर कर देना, मैंने बहुत ही बेकार कंडीशन वाला लिया है, क्योंकि तेल वेल उबालने का जो काम होता है या पकौड़े बनाने का काम होता है ना, वो मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक बार मेरा जल गया था, तो मैं इसी में ही कर लेती हूँ ताकि मेरी जो और कढ़ाई वगैरह है ना वो मतलब ख़राब ना हो। तो जब तक मेरा तेल उबल रहा है ना, तब तक मुझे लगा चलो मैं अपना खाना भी लगा लेती हूँ, साथ साथ तेल भी मेरा उबल के मतलब जब सो के उठूँगी तो मतलब ठंडा हुआ मिलेगा वो भी, क्योंकि गर्म तेल हम अचार में कभी भी नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ कच्चा भी नहीं डालते हैं, उसको उबाल करके ठंडा होने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो खाने में आज मैं आपको बताऊं तो बने थे चावल और छोले, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बाकी सब तो बूरा डाल के भी खाते हैं, थोड़े से चावल और उसके बाद खाते हैं सब्जी के साथ, लेकिन मैं कभी नहीं खाती हूँ बूरा चावल वगैरह। और गैस को अभी मैंने कर दिया है बंद, जबकि तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, भाप आ गई है ना उसमें से, तब मैंने बंद कर दिया। और मैंने सरसों का तेल लिया है, और ये है छोले जो कि मैं एक्स्ट्रा हमेशा उबालती हूँ, और ये ना कल परसों में मतलब जब भी जो सूखे चाट वाले छोले होते हैं ना वो मेरे घर में ज़रूर बनते हैं, जब भी मैं छोले उबालती हूँ तो एक टाइम ऐसे बनते हैं लिक्विड वाले, और एक टाइम वो चाट वाले बनते हैं। तो ऊपर से मैंने जो है बारीक काट के अपने चावलों में प्याज डाल ली है, और बस मैं तो चटपटा खाना मुझे पसंद है, आप लोगों को पसंद पता ही है, मैंने बहुत बार बताया कि मुझे मीठा मीठा कम अच्छा लगता है, चावल में बूरा शक्कर ये सब मुझे शौक नहीं है, और मिर्ची रखने के बाद तो जो है ना डबल टेस्ट हो जाता है मेरे को मिर्ची का अचार, या जो कच्ची वाली हरी हरी मिर्ची आती है ना वो भी खाना बड़ा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर आई थी अभी शाम के टाइम, किसी काम से आई थी, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बस मैं तो आराम से बैठी थी, तब मैंने इनके हाथ में कैमरा देखा, मैं एक्चुअली हवा के मज़े लेने लग गई थी, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मुझे लगा आप देख रहे हो ना कैसे सूट चुन्नी सब उड़ा जा रहा है, और ये बिल्कुल भी भारी नहीं है जो मैं उठा रही हूँ, ये छोटा सा एक सिल्ली का टुकड़ा है। और मैं कुछ ना मेकओवर करने की सोच रही हूँ अपने किचन में, क्योंकि
आपको पता ही है मेरे किचन में जो है कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो मुझे लगा चलो मैं कुछ देख लेती हूँ कि ऐसा जिससे मेरे जो नीचे का जो सामान है ना, जो काउंटर टॉप होता है अपना, उसके नीचे का जो सामान है वो थोड़ा फैला लगता है मुझे, कि उसमें भीड़ भीड़ सी ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए मैं कुछ करने की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ आज टाइम मिलेगा तो आज, लेकिन मैं इनसे बस यही कह रही थी कि सिल्ली का टुकड़ा हो तो बताओ मुझे, कोई हो तो बताओ। तो बस ऊपर रखा हुआ था हमारे यहाँ, तो उसको ही मैं उतार करके लेके आई हूँ। और ज़्यादा भारी होता तो इनसे उठवा लेती, लेकिन ज़्यादा वज़न नहीं था उसमें। और ये जो है मैं आने के बाद अब लेसवे का अचार डालने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने। तैयारी तो जो है इसकी सुबह से ही शुरू है, लेकिन फिर भी अब जो है डालने का काम करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने बीच में कट लगाना शुरू कर दिया है। आपको कट ना इस तरीके से लगाना है कि वो बीच में से दो पार्ट ना हो जाए, नीचे से जैसे भरवा टिंडे वगैरह में हम लगाते हैं ना कट, उस तरीके से रखना है। मतलब नीचे से जुड़ा हुआ, सिर्फ ऊपर को आपको कट लगा देना है। कोई कोई मेरा जो है हो जा रहा है, मतलब है दो पार्ट, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश यही करनी है आपको कि ऊपर ऊपर कट लगाओ। उसके बाद जो आम भी है ना, वो भी हमने पंखे की हवा में सुखाई थी, वो उसका भी जो एक्स्ट्रा का जितना भी पानी था वो सारा निकल गया है, और मैंने लेसवे में ही आम्बी को डाल दिया है। उसके बाद मसालों में सबसे पहले हम नमक डालेंगे, और नमक मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। और मसाले डाले मैंने लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्ची आपको पता है ना मेरे घर में मिर्ची कम खाई जाती है, तो इसलिए कश्मीरी वाली मैंने डाली है जो कि अच्छा सा कलर दे देगी। और ये है हल्दी, बस ये 3 मसाले डाले हैं मैंने बेसिक वाले। और अब ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये है राई और सौंफ, पिसा हुआ रखा था मेरे पास। तो अगर आपके पास सौंफ नहीं है तो इस टाइम पे सिर्फ आप राई डाल सकते हो। राई जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सौंफ डालो या ना डालो। और ये जो है अब मैंने डाल दिया है, वो राई सौंफ का जो मसाला है वो मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग डाला है। और ये है कलौंजी, जो ब्लैक सीड्स होता है ना वो, और इसका जो स्वाद है ना अचार में बहुत आता है, आम के अचार में आता है ना मार्केट वाले में कलौंजी डला हुआ आता है। और ये मैंने साबुत थोड़ी सी सौंफ डाल दिया है, हालांकि पाउडर भी डाल दिया है लेकिन मैंने थोड़ी सी साबुत भी डाल दी है। उसके बाद हमें एक अच्छे से धुला हुआ बिल्कुल सूखा हुआ जिसमें एक बूंद पानी ना हो टपका, वो डिब्बा ले लेना है। उसके बाद नीचे तली में हमको 3 से 4 चम्मच तेल डाल देना है। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वही तेल है जो हमने सुबह उबाला था दोपहर में, और अभी ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा। और इसके बाद जो हमने मसाले मिला के रखे थे ना इसमें डोंगे में, लेसवे पे और आम पे, उन सबको इस डिब्बे में भर देना है। और मैंने मतलब डिब्बा दबा दबा करके भर दिया था क्योंकि डिब्बे में इतना अचार आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ सेट हो गया था मेरा अचार। और उसके बाद जितना भी तेल बचा है मेरा वो मैंने सारा का सारा इस डिब्बे में डाल दिया है, क्योंकि जो अचार की जो लाइफ होती है ना वो तेल से ही बढ़ती है। अगर तेल में कंजूसी हो जाए ना तो फिर अचार ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। और बस अब ढक्कन को कर दिया है बंद, और एक बार अच्छे तरीके से मैं मिला दूँगी ताकि जो अचार तेल जो नीचे जाके बैठ गया है ना, क्योंकि वो तो लिक्विड होता है, लिक्विड तो नीचे जाएगा ही, तो इस तरह से मिलाने से है ना जो सूखा अचार मतलब रह गया होगा कोई एक आध पीस, उस पर भी तेल अच्छी तरह से चढ़ जाएगा। और अब हम, आज तो शाम हो गई है लेकिन कल इस अचार को 2-3 दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन ऐसा करेंगे धूप में रख देंगे, और फिर जो है बढ़िया सा अचार बनके तैयार हो जाएगा। तो अचार जो है ना मेरा बनके रेडी हो गया है, मतलब बना दिया है, अभी खाने के लिए रेडी नहीं हुआ है, डिब्बे में पैक हो गया है। और देखने में है ना बाहर से ही देखो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे मार्केट का मिक्स अचार नहीं आता है, देखने में वैसा लग रहा है। बस अब आप लोग भगवान से ये प्रार्थना करना कि ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा है इसका, टेस्ट तो खैर इसका अच्छा ही होगा क्योंकि खट्टा इतना है ये, जिसको आम वगैरह का अचार पसंद होता है ना, आम का, कैरी का, कुछ लोग कैरी उसी को बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बार कैरी का अचार खाया था हमारे पड़ोस में ना, वहाँ पे झज्जर में मतलब मायके में एक भाभी थी, तो वो थी नेपाल साइड से, हरियाणा और नेपाल का जो मतलब बॉर्डर है ना, तो थी तो इंडिया से ही, सॉरी हरियाणा कह रही हूँ, लेकिन बिल्कुल वहाँ से थी पास से। तो फिर ना वो लेके आया करती कैरी का अचार, तो कई बार पहले हुआ करता ना ऐसे जैसे घर में सब्जी नहीं बनी तो आस पड़ोस में हो जाया करती आपस में ये सारी बातें। अब तो खैर कोई किसी के घर जाता ही नहीं, चाहे पहली बात तो सबके घर में दोनों तीनों टाइम सब्जियां बनती है, बनती उस टाइम भी थी, लेकिन ये होता है कि कभी पसंद की ना बनी हो या ऐसा कुछ हो तो उस भाभी से अचार मांगने जाया करते जब भी वो अपने घर से आया करती कि भाभी कैरी का अचार दे दो, और वो इतना लाजवाब लगा करता ना, एकदम खट्टा खट्टा, मतलब अब भी टेस्ट आ गया मेरे मुंह में। और मेरा मन ये भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, लेसवे का अचार भी बिल्कुल उस तरीके का होता है, खट्टा खट्टा सा। तो बस अब आप लोग ये दुआ करना कि ये बिल्कुल बढ़िया हो जाए, बिल्कुल खराब ना हो। आप लोगों ने भी बताया वैसे मेरे को रेसिपी, तो मैंने आप लोगों के तरीके से ही डाला है जैसे आप लोगों ने बताया था, और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है, कलौंजी डाल दिया है मैंने इसमें, मुझे लगा कि थोड़ा आम का अचार है ना, इसमें आम भी कटी है तो थोड़ा अच्छा लगेगा टेस्ट में,
तो बताना जरूर आपको देखने में कैसा लग रहा है अभी फिलहाल हाल, और बस अच्छा रह जाए, मुझे इसी चीज का खतरा है क्योंकि आम का अचार ना मैंने पहली बार ही डाला है। आम का ही बोलूंगी क्योंकि इसमें आम भी पड़ी है। वो तो मैं डाल लेती हूँ, मिर्च का अचार तो मैं हमेशा डालती हूँ, और उसके अलावा मैंने कभी कोई अचार नहीं डाला, तो ये मैंने पहली बार ये कार्रवाई करी है। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा रात का खाना पीना जल्दी हो गया, मान लो 7 बजे हो गया, 7:30 हो गया, 8 हो गया, तो फिर मैं आराम से बैठूंगी, आराम करूंगी, नहीं। मेरा मन करता है कि मैं कुछ मतलब करती रहूं करती रहूं करती रहूं, मतलब जब तक नींद ना आए तब तक कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग में जो है चलता रहता है। तो आज पता है मैंने क्या किया, आज मैंने ना अपनी पूरी किचन को साफ कर दिया, जबकि जो मैंने सिल्ली उठा के मैं लेके आई थी ना टुकड़ा, वो नहीं अभी एडजस्ट कर पाई हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे बिछाने के लिए कोई अच्छा सा कवर वगैरह चाहिएगा, तो वो लाऊंगी, मतलब वो ढूंढूंगी, मेरे पास रखा हुआ है, तब मैं सेट करूंगी। लेकिन यहाँ पे पूरा सामान हटा हटा के तीनों स्लैब का, नीचे का भी ऊपर का भी, सारा मैंने पोचा वगैरह लगा के पूरा साफ कर दिया है। हेलो एवरीवन, तो आप सब लोग कल पूछ रहे थे ना कि निश्चय नहीं आया, और किल एक वंश राणा के नाम से जो मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने तो स्पेशली कमेंट भी किया था कि मैं ना करती वीडियो ना लाइक, निशु ने तो वीडियो में लेके ना आती, बताओ अब उन आंटी ने तो लाइक भी नहीं करा। आज तो करेगी, आसो करेगी। हाँ तो कर देंगे। और ये जो सामान मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, ये सामान भी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मम्मी ने ये सब भी दिया था लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। हाँ मैंने आपको जवे तो ज़रूर दिखाए थे जो उस दिन मैंने धूप में सिखाए थे, वो भी इसलिए मुझे याद आ गया, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। एक पैकेट ये वाले जवे दिए थे, और ये है एक पैकेट बूरा, जो कि हमारे यहाँ मतलब मम्मी देती है हर मतलब सीधा कोतली जो भी होता है उस पर, तो और ये है एक साबुदाने का पैकेट, मम्मी के पास रखा था तो मम्मी ने कहा कि ये मेरे से ना बड़ा पैकेट आ गया था, और मैं मतलब बनाती नहीं हूँ साबुदाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो तू तो बनाती रहती है खिचड़ी वगैरह भी निश्चय के लिए, निश्चय को काफ़ी पसंद है, शायद मैंने आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन अच्छी लगती है निश्चय को साबुदाने की खिचड़ी, तो फिर मैंने कहा हाँ मम्मी मैं तो यूज़ कर लूँगी। और ये इसमें जो नीचे है ना डिब्बे में, वो वाले जमे हैं जो पूरी परात भरी थी, ये डिब्बा थोड़ा बड़ा है लेकिन हाँ सामान दिखने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है वीडियो में जैसे तो बिल्कुल छोटा सा, और सेम यही एक डिब्बा मेरे पास और भी है, ये दही के डिब्बे होते हैं, जब निश्चय हुआ था ना तो फंक्शन में आए थे ये एक दो डिब्बे, और कुछ हमारी शादी के हैं, तो ये जो है इनमें मैंने चिप्स भर के रख दिए, एक में जवे भर के रख दिए हैं। और यहाँ पर फिर मैं लग गई हूँ अपने जो मैंने किचन क्लीनिंग की है ना, मैं आपको बता रही थी, तो उसमें एक डिब्बा मेरा ऐसा है किचन में जिसमें मेरी एक्स्ट्रा की चम्मच कांटे चाकू वो सब रखे हुए हैं, तो वो पता है चिकने चिकने से हो रखे थे, मुझे मतलब लगनी हाथ लगा मतलब लगाया नहीं जा रहा था, कंफ्यूज हो गई बोलते बोलते, तो मुझे लगा चलो एक बार मैं इनको अच्छे से मांज देती हूँ। और आज पता है मेरी किचन में क्या काम रह गया, बस जो बर्तन का स्टैंड है ना वो साफ़ करना रह गया, और पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया नीचे से लेके ऊपर तक। तो आज जो है ना मैंने आप लोगों की डिमांड पर बड़ा व्लॉग भी बनाया है, अगर अच्छा लगा है तो बताना मुझे। तो चलिए फिर यहीं से एंड कर देते हैं हम आज के इस वीडियो को, और अब हम आपसे मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और होप आप सब लोगों ने निश्चय से एक्सरसाइज सीख ली होगी। सिखा दी आज मेरे बेटे को, ऊंची ऊंची क्यों आ रही है बार बार, खड़े होकर पानी पी ले चल। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, निंदी आ गई मेरे बेटे को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों को पता नहीं क्यों नींद के साथ लड़ने में बड़ा मजा आता है, चाहे कितनी भयंकर नींद आए, लेकिन हाँ क्यों ही चलती रहेगी अपनी नांड के, नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही। बाय कर दे सबको, लव यू कर दो, जल्दी करो बाय। नो बेटा ये गलत बात बोलो, टेक केयर रहने दे, लव यू कर दे सबको, टेक केयर दादा मत बन सबका। अच्छा तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।